हे एवरीवन, वेलकम टू एसेस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। आज हम करने वाले हैं, ये देखिए, हैंड कास्टिंग। बहुत ही कम बजट के साथ बहुत ही सस्ता मटेरियल यूज़ किया है। ये हैंड कास्टिंग आप करोगे तो आप चाहोगे कि आप पूरे परिवार की हैंड कास्टिंग कर लो। जितने कि आपके मार्केट के मटेरियल में सिर्फ एक हैंड की कास्टिंग होती है, उतने में आप पूरे परिवार की हैंड कास्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये डेंटल पाउडर, जिससे कि मैं आज हैंड कास्टिंग करने वाली हूँ। ये आपका 350 का आपको मिल जाएगा 1 kg। मैंने यहाँ पर बॉल लिया है, वैसलिन लिया है, एक सीजर लिया है कट करने के लिए इसको, और एकदम कोल्ड हमने लिया है वाटर। आप चाहो तो पूरी बर्फ़ की ट्रे आप मग में डाल के उसमें थोड़ा पानी डाल लो। तो हमें बिल्कुल इसके लिए ठंडा पानी चाहिए। आप नॉर्मल पानी यूज़ करोगे तो फटाफट सेट हो जाएगा, जिससे कि जल्दी सेट ना हो तो उसके लिए ठंडा पानी चाहिए। तो इसको हम अपने जार में डाल लेते हैं, जिसमें कि हमने कास्टिंग करनी होती है। जितना बड़ा आपने हैंड कास्ट करना हो, बच्चे का हैंड है तो ये 1 kg का एक डब्बर है जो किचन में यूज़ होता है, तो उसी में मैं यहाँ पर हैंड कास्टिंग करने वाली हूँ। तो उसमें अपना पाउडर उतना ही ले लेंगे। ये हमें हाफ बॉक्स चाहिए होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया तो मैं इसको कम कर देती हूँ। तो ये हाफ बॉक्स हमें चाहिए, क्योंकि जब इसमें हैंड अंदर जाएंगे तो मटेरियल ऊपर की तरफ आएगा। तो फटाफट से मैं ब्रियांश के हैंड्स पर लगा लेती हूँ वैसलीन, ताकि जो मटेरियल है वो हाथ में चिपके नहीं और अच्छे से जो हम कास्टिंग करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से हो जाए। और बहुत खुश है ये हैंड कास्टिंग कराने के लिए, पूरा मज़ा आ रहा है इसको कि पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहा है। तो थोड़ा सा जो छाते छोटे बच्चे होते हैं वो आराम से करा लेते हैं, लेकिन इस एज में थोड़ा सा बच्चे क्रिएटिव होते हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं क्या नया हो रहा है। तो इसको चले देखे, जो शेप मेरे को देनी है तो मैं पहले इसको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको बॉल को पकड़ना है, क्योंकि इसको खेलना पसंद है। तो बॉल के साथ ही मैं इसकी यहाँ पर हैंड कास्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे पानी, ठंडा पानी इसमें डालेंगे और फटाफट इसको मिक्स करेंगे। देखिए, करते टाइम गलतियाँ भी होती हैं, वो भी सारी गलतियाँ आप यहाँ पर देखेंगे। तो इसको फटाफट से हमने करना है मिक्स। तो जो इसकी गुठलियाँ हैं वो भी अच्छे से इसमें दब जानी चाहिए, और पानी इसमें हमें अच्छा खासा लगता है तो काफ़ी सारा पानी लेकर रखें। तो इसमें देखिए टाइट होता जा रहा है ये, और इसमें ज़्यादा देर का हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम इसमें ज़्यादा देर लगा सकें। तो मैं भी ये हैंड कास्टिंग फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो साथ साथ सोचा कि सिखा भी दूँ कि आप लोग भी देखो कि सस्ते मटेरियल से कैसे कर सकते हैं। देखिए कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। जो नीचे का पाउडर है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर ये मिक्सर यूज़ किया है तो इसके जार नीचे जो ब्लेड हैं वो छोटे रह गए, तो नीचे तक पाउडर मिक्स नहीं हो पा रहा, और इधर फिर जल्दी रहती है कि पाउडर कहीं सूख ना जाए। तो जैसे मैंने गलती करी कि 1 kg का मैंने बॉक्स लिया, तो आप थोड़ा बड़ा बॉक्स लीजिएगा। इसमें और पानी डाल लेते हैं और इसको मैं फटाफट से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता। इसमें जो कास्टिंग वाला पाउडर होता है कॉस्टली तो होता ही है, लेकिन जम वो भी फटाफट जाता है, वो भी टाइम नहीं लेता। शुक्र है कि हमने यहाँ पर लिया है बिल्कुल एकदम चिल्ड वाटर, इससे हमने कास्टिंग की है। तो आप यही चिल्ड वाटर, आप नॉर्मल पानी यहाँ पर यूज़ करते हो तब तक कप का जम चुका होता। तो इसको देखिए मैंने हैंड से भी मिक्स कर लिया, और अब फिर से इसको मिक्स करके हम यहाँ पर डाल लेते हैं हैंड को इसके अंदर, और ये कर देते हैं सेट। अब अंदर जाने के बाद ये क्या करने वाला है, फिंगर्स को किस तरीके से, लेकिन जो मैंने यहाँ पर इसको पोजिशन करवाई है तो अभी उसने जो किया सही किया है। थोड़ी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये फटाफट सेट हो जाएगा। मेरे हाथ भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं करते करते, और टेबल का भी बुरा हाल। और एक चीज़, एप्रिन जरूर पहन लीजिएगा जब आपको कास्टिंग करनी हो। हम लोगों के कपड़े पूरे ख़राब हो गए, क्योंकि पाउडर बारीक होता है, उड़ जाता है, और थोड़ा सा ये पाउडर टाइट भी होता है हैंड कास्टिंग के पाउडर के अकॉर्डिंग। तो ये देखो मेरे हाथ पे से भी कितना ये जम चुका है और निकल रहा है। तो इसके हाथ भी अब सेट ही होने वाला है, क्योंकि थोड़ा बॉक्स में है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे हाथ में पतला पतला लेयर था तो फटाफट से निकल जाएगा। तो अभी थोड़ी सी इसमें कमी है, थोड़ी देर और ऐसे ही रहने देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई भी काम करे थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। देखिए, तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, आप लोग इसको करके देखिएगा। आप लोग यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस तो देख ही चुके हैं। तो अब ये धीरे से यहाँ से हाथ निकालेगा, बॉल को मैंने कहा है कि वहीं पर छोड़ दें। तो ये आराम से देखिए हाथ एकदम क्लीन निकले हैं, और ये अंदर से आप लोग देखिए कि इसमें किस तरह के यहाँ पर पोजीशन है, और पूरा देखिए क्लियर दिख रहा है।
तो अभी तक तो जितना काम हुआ है वो अच्छे से हो गया है। बोल हमारी वो अंदर रखी हुई है और ये इसी में रहने वाली है। अभी जब कास्टिंग होकर हैंड निकलेंगे और तब पता चलेगा कि क्या पोजीशन रहने वाली है। थोड़ी सी नर्वस हूँ कि कैसा होने वाला है। तो मैं यहाँ पर कुछ नया नहीं लाई, तो बस मेरा मूड किया कि मैं कुछ बनाऊँ, कास्टिंग करूँ। तो ये मेरे पास पुराना रखा हुआ था, ये वाइट सीमेंट है। साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। पता नहीं उतरी है या काम करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं यूनिको मिक्स करके और फटाफट से इसमें फिल कर दूंगी। ये कितना बारीक पाउडर है, देख रहे हो आप कैसे उड़ रहा है वाइट सीमेंट। क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया पैकेट खुले हुए, तो आई डोंट नो कि काम करेगा कि नहीं। तो इसको मिक्स करके हम डाल लेते हैं। इसकी सारी गुठली ख़त्म होनी चाहिए और पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि पानी ज़्यादा रहेगा तो बबल्स उतने ज़्यादा बन जाएंगे। जो हैंड होंगे तो उसमें बबल की जो स्पेस ना अलग ही दिखाई देगा। थोड़ा सा थिक पेस्ट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ऐसा हो गया है जैसे कि पकौड़ी का आटा तैयार करते हैं, उस तरह का यहाँ पर ये तैयार हो गया है। और अब इसको कर देंगे फटाफट से फिल। आप चाहें तो साथ में सीमेंट का यूज़ ना करके सिर्फ POP का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है सीमेंट के साथ। सिर्फ POP का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास चीज़ें थोड़ी लिमिटेड थी और मेरा मन था कि मैं हैंड कास्टिंग कर लूँ, तो मैंने इतना भी वेट नहीं किया कि मैं और भी सामान ले आऊँ, तो जो था उसी से मैं कर रही हूँ। इसको टैप टैप कर देंगे ताकि जो इसमें अंदर बबल बने हों तो वो ज़्यादातर ऊपर की तरफ, देखिए कैसे निकल रहे हैं, तो वो निकल जाए। इसको काफ़ी बार इसको टैप टैप करना पड़ेगा तभी जाके सब क्लियर होगा। और इसको हम छोड़ देंगे। अब हमने रात के 9 बजे कास्टिंग की है, तो हम इसको सुबह के लिए छोड़ देते हैं। ये सुबह मेरे को ज़्यादा वेट करने का नहीं था कि मुझे ज़्यादा वेट करना है, तो मैंने फटाफट सुबह ही 7 बजे मैंने इसको निकाल लिया। तो देखते हैं कैसा निकलता है। थोड़ा सा ये टाइट हो गया है, नहीं ये निकलेगा ये आराम से। तो इसको निकालने के लिए मैं नाइफ़ का यूज़ करती हूँ, तो नाइफ़ से इसको काटेंगे तो बड़ा इजीली कट तो रहा है। अब देखते हैं निकलता कैसे है। तो थोड़ा थोड़ा पीस निकल रहा है, देखिए ये फ़र्क है इसमें। कास्टिंग तो आपकी अच्छी होगी, लेकिन ये फ़र्क रहेगा कि इसमें और जो आपका कास्टिंग वाला पाउडर आता है उसमें क्या होता है, वो इतनी देर में फटाफट से अलग हो जाता है। इसमें हमने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ पर आप पैसे बचा सकते हैं वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। हो ना, ये नॉर्मल चाहोगे आप भी कि पैसा कम लग रहा है और काम अच्छा हो रहा है, तो आप भी चाहोगे करना। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। आप लोगों के लिए ही मैंने कोशिश की है कि सस्ते में, क्योंकि हैंड कास्टिंग काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। आप लोगों ने ऑनलाइन भी मटेरियल देखा हो तो काफ़ी कॉस्टली है। तो ये काफ़ी क्लियर मेरे को नज़र आ रहा है, अच्छी फिनिशिंग आई है इसके साथ भी। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ये पक्का ट्राई कीजिए। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कि इसको निकालने में टाइम लगता है, या फिर इतना कीजिए कि आप इसकी पतले पतले पेस्ट बनाए। जब मैं थोड़ा सा थिक रह गया था, जैसे कि आपने देखा कि पानी थोड़ा कम डाला था जल्दी की वजह से, फिर उतने में ही हमने हैंड कास्टिंग कर लिया। तो अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता तो ये और बेटर हो सकता था ये बाद में निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, तो थोड़ा सा और इसी तरीके से इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा निकला है, सीरियसली बहुत अच्छा निकला है ये। एक दो फिंगर देखिए अलग हो गई, लेकिन POP का पतला सा पेस्ट लगा के मैंने उनको वहीं के वहीं पेस्ट कर दिया, और शेप भी काफ़ी अच्छी ली है उसने, बहुत प्यारा लग रहा है। देख रहे हो ना शेप कितना अच्छा आया है। और जो अलग हुई थी फिंगर्स, तो वो सिर्फ थोड़ी अलग हुई, उनके बीच में से अलग से कुछ नहीं टूटा था, तो हल्का सा POP का घोल बना के मैंने उसको वहीं के वहीं पेस्ट कर दिया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मटेरियल पुराना था, तो शायद ये इसी वजह से हुआ है। अगर नया पैकेट लाया होता मैंने
तो ऐसा दिक्कत नहीं होती। तो मैं आपको आप गारंटी से कह सकती हूँ, आप ये कास्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छी कास्टिंग आपकी होगी हैंड्स की। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर गोल्डन कलर करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर डार्क येलो फर्स्ट कलर यहाँ पर अप्लाई किया, इसी के ऊपर मैं गोल्डन कलर करूँगी। ये येलो कलर जब सूख गया तो उसके ऊपर ये मैंने करना स्टार्ट कर दिया है गोल्डन कलर। तो ये गोल्डन कलर होने के बाद हो गया है इस तरह से। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हैंड कास्टिंग तो ऐसा चीज़ है बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। तो फैमिली, फ्रेंड्स के मेंबर सभी को शेयर कीजिए, हैंड कास्टिंग कीजिए। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर, चैनल को लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो के एंड तक आने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।